आज़ादी, सब तो पहले तो मैं सारिया आज़ादी की मुबारकबाद पेश कर रहा वै। 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ाद होया तो 15 अगस्त को इंडिया आज़ाद होया, पर आज़ाद होया किस तरह वै, मुफ्त में होया वै। पहले आप वीडियो देने कि यह आज़ादी मिली किदा वै, प्लेट से रख के मिली है। कुछ लोग इनू काला दिन भी कहें, तो क्यों कहें, पहले आप वीडियो देखने फिर आप गल करने। हाँ जी, सत श्री अकाल जी सारे, सो पंजाब मिनट भी थोड़ा बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो 15 अगस्त दियां थानू सारे नू बहुत बहुत मुबारक, पर गल करांगे कि 15 अगस्त 1947 का यह सुनहरा दिन किवें काले दौर विच बदल गया सी, ते यह आज़ादी का वह समा किन्ना क दर्दनाक रहा होगा, इस बारे गल करांगे। किन्ना लोकां कारण एक इन्ना वड्डा देश दो टुकड़ियां विच वंडिया गया, सो कुछ वो डूंगियां जानकारियां जो शायद थानू नहीं पता होणगियां, ते किवें वंड के खाण वाले रातों रात वढ़ के खाण लगे सी, इस बारे थानू इस वीडियो विच पूरी तरह जानकारी देने की कोशिश करांगे। असल विच साडे देश दे लोकां दी एक कमी रही है कि सानू कट्ठे होना नहीं आउंदा, बाहर तो आके लोग सानू लड़ा भी सकते ने ते साडे ते राज भी कर सकते ने, जो उस समय भारत दे लोकां नाल होया है। एक कहानी शुरू होंदी है जदों सानू आजादी मिली सी, पर यह बंटवारे नूं करन दा निर्णय बहुत पहला तो शुरू हो गया सी। इस दी शुरुआत 3 जून 1947 नूं होंदी है जदों लुईस माउंटबैटन वायसराय ने आजादी दा प्लान रेडियो उत्ते अनाउंस कीता सी। इस नूं माउंटबैटन प्लान भी कहा जांदा है। A statement will be read to you tonight giving the final decision of His Majesty's government as to the method by which power will be transferred from British to Indian hands. इस तो बाद 5 जुलाई 1947 इंडिपेंडेंट इंडिया एक्ट पास किया गया। 18 जुलाई 1947 किंग ऑफ ब्रिटेन ने इंडिपेंडेंट एक्ट को इंप्रूव करके पक्की आजादी की मोहर लगा दी। हुण भारत के बंटवारे जो लोग नहीं मानते सी, या कह लो कि वह कह रहे थे कि यह बंटवारा नहीं होना चाहिए, उन्होंने नाम से महात्मा गांधी ते अब्दुल गफार खान, ते जो इस बंटवारे को लेकर खुश सी उन्होंने नाम से जवाहर लाल नहरू ते मुहम्मद अली जिन्ना, क्योंकि मुहम्मद अली जिन्ना भारत का प्रधानमंत्री बनना चाहता सी, पर उन्हों का यह सुपना भारत में पूरा नहीं होने वाला सी, जिस कारण वह अलग देश चाहते सी जिसदे वह प्रधानमंत्री बन सकन। ते जिन्ना यह भी मानता सी कि मुस्लिम ते हिंदुओं विच बहुत सारे कन्फलिक्ट ने, जिस कारण वह आपस विच कट्ठे नहीं रह सकते, पर यह उसके अपने बयान सी, पर हर किसी की यह सोच नहीं सी क्योंकि इस तो पहला सारे कट्ठे ही रहिंदे सी। बहुत सारे लोगों को यह भी लगता है कि बंटवारा धर्म के कारण होया, पर इस तरह नहीं सी, यह अंग्रेजों की फुट पाओ राज करो नीति के अधीन होया सी, ते यह फुट आम जनता विच पाई गई है, ना कि उत्ते वाले अलग अलग धर्म के लोगों विच, वो कट्ठे रह के राज करन लई थल्ले वाले लोगों नूं लड़ा रहे सी। ते अजकल भी धर्मां दे नाम ते ये चीज़ां देखण नूं मिल जांदियां ने, जदकि 2% लोगों नूं छड्ड के बाकी आम जनता नूं किसे धर्म तो कोई नफरत नहीं है। सो अगे वधण तो पहला तुहानूं दस दईए कि सानूं एक यूट्यूब वीडियोज़ लई एडिटर की लोड़ है, जेकर तुहानूं एडिटिंग आउंदी है तां तुसीं इस लई किवें अपलाई करना है, यह वीडियो देखते रहो, तुहानूं अपने आप पता लग जाएगा। सो हुण आपां गल करदे आं मेन जो साडी प्रॉब्लम की जड़ सी उस बारे। असली जड़ सी लॉर्ड लिनथाइक ग्रोथ, जो कि 1936 से 1944 तक वायस रॉय रहा सी। इसने उस समय बहुत सारी हिस्टरी किताबों में बदल के पेश करनी शुरू कर दी, जिस विच इसने दिखाया कि कैवें इतिहास विच हिंदुओं ने मुस्लिम राजियां दा विरोध किया, ते ए कुछ गल्लां भी सी जिवें जनाह दा अलग देश मंगना ते डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, ये बंटवारे दे कुछ कारणों विचों एक सी। इस तो अलावा होर भी बहुत बड़े बड़े कारण सी अंग्रेजों लई, जिवें कि आजादी तो बाद सिख मुस्लिम ते हिंदुओं का इकट्ठे रहना दूजे देशों लई खतरा हो सकता सी, क्योंकि अंग्रेजों नूं पता कि जेकर ये सारे जने कट्ठे मिलकर रहन लगे तो इन्हों का दिमाग साढ़े वल आएगा, तो ये साढ़े ते ज़्यादा प्रभावशाली होंगे जेकर ये कट्ठे रहेंगे। इन्हों आपस में वंड दिओ ते लड़ा दिओ ता जो ये अपने आप विच ही फसे रहन, ते वर्ल्ड लैवल ते जो चीज़ां असीं करिए उन्हां वल इन्हों का ध्यान ही ना आवे। जेकर हुण गल करिए अंग्रेजों द्वारा भारत की सत्ता छड्डण की तरीक 6 जून 1948 रखी गई, पर 15 अगस्त 1947 ही 10 महीने पहला आजादी क्यों दे दी। वर्ल्ड वार टू तो बाद ब्रिटेन विच नवी सरकार आने उन्होंने इंडिया नूं आजाद करने बारे सोच लिया, जिसके काम कर लई सत्ता ट्रांसफर करन लई क्लाइमेट एटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन ने लुईस माउंटबैटन नूं इंडिया भेजा, पर एटली का
माउंट बैटन नू कहना सी कि भारत दा बटवारा ना होवे। ते जदों माउंट बैटन ने इंडिया आके देखिया तां उस नू पता लग्या कि जेकर 6 जून 1948 तक इंडिया नू पावर ट्रांसफर करन लई रुके तां कोई पावर बचनी ही नहीं जो ट्रांसफर कीती जा सके, क्योंकि उस समय तक सिविल वॉर मतलब ग्रह युद्ध इंडिया दे आपसी धर्मां जातां विच शुरू हो जाएगा, ते फिर असीं की नू केड़ी पावर देवांगे। इस लई माउंट बैटन ने जल्दी तो जल्दी इत्थों निकलण लई आजादी की तरीक रखण की कोशिश की। जेकर गल करिए 15 अगस्त ही तरीक क्यों रखी गई तो इस पिछे कारण है जदों ब्रिटेन की सरकार ने माउंट बैटन पुछया कि तुसी इंडिया विचो थानू की लगता है कदों तक सारा कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, तो माउंट बैटन ने कहा कि हुण जून चल रहा है तो अगस्त सितंबर तक सारा कुछ ट्रांसफर हो जाएगा, तो जे कोई फिक्स डेट चुननी है तो 15 अगस्त रख लवो। ये तरीक माउंट बैटन लई इस करके खास सी क्योंकि इस दिन 1945 विच जापान ने इंग्लैंड अगे वर्ल्ड वार टू दौरान सरेंडर करके वर्ल्ड वार टू नू खत्म कीता सी। ते वर्ल्ड वार टू समय माउंट बैटन उस कमांड दा लीडर सी जो जापान तो सरेंडर लेंदे समय उस शिप ते मौजूद सी जिथे सरेंडर दे कागजा ते साइन होए। इस कारण माउंट बैटन ने इंडिया दी आजादी दे बंटवारे लई इह 15 अगस्त 1947 वाला दिन चुनिया। कांग्रेस दे आगू असल विच 26 जनवरी आजादी दा दिन रखना चाहुंदे सी पर उहनां दे हत्थ विच नहीं सी, जिस कारण उहनां ने नवंबर विच लागू होण वाले संविधान नू 26 जनवरी वाले दिन रख दिता। ते हुण भारत दे बंटवारे लई नक्शा भी चाहीदा सी, जिस लई इंग्लैंड दे इक निरपक्ष जज सैरल रेडक्लिफ नू चुनिया गया। हांजी, भारत दे पाकिस्तान नू अलग करन वाली बर्बादी दी लाइन सैरल रेडक्लिफ ने ही खिंची सी, जिस नू ब्रिटेन विच सब तो सुलझिया होया जज मन्निया जांदा रहा है, जिस कारण माउंट बैटन ने इस नू भारत बुला के इह नक्शे बनाउण वाला काम सौंपिया। 8 जुलाई 1947 की तरीक नू रेडक्लिफ भारत आउंदा है, सो हो सकदा हो उत्थे बहुत सुलझा होवे, उसनू बहुत चीजां बारे जानकारी होवे, पर उसनू भारत बारे कुछ ज्यादा पता नहीं सी, ना ही उसनू हिंदू मुस्लिम बारे पता सी, ना ही उसनू बोली बारे कुछ पता सी। सो धार्मिक साधना भारत विच बहुत ही मायने रखती है हर किसी लई, ते संस्कृति भूगोलिक ते पोलिटिकल इशूज ते अलग अलग भाषावां जो बोलियां जांदियां ने इन्हां बारे उसनू कुछ भी नहीं पता सी, बस उसनू ये दस्या गया सी कि वंड धर्म दे आधार ते करनी है, ते इस लई उसनू 2 हिंदू ते 2 मुस्लिम सहयोगी भी दिते, पर मुख फैसला रेडक्लिफ दा होना सी। एह इक सरकारी काम होण करके रेडक्लिफ नू इस दे अंजाम दी कोई समझ नहीं सी, जिथे ज्यादा मुस्लिम रहिंदे सी उस इलाके नू रेडक्लिफ ने पाकिस्तान विच मिला दिता, हिंदुआं वाले इलाके भारत नाल जोड़ दिते, जिसका नतीजा निकलिया लखां लोकां दा बेघर होना ते लाशां ही लाशां। ते इस बारे अगे गल करदे आं, पर पहलां तुहानूं दस दईए कि 12 अगस्त 1947 नूं नक्शा माउंट बैटन कोल पहुँच गया, पर माउंट बैटन ने इस नक्शे नूं 15 अगस्त आजादी दे दिन तक लोकां अगे पेश नहीं कीता। इह नक्शा 17 अगस्त 1947 नूं लोकां अगे पेश कीता गया, जिस तों बाद दंगे शुरू हो गए, ते रेडक्लिफ नूं भी अपनी गलती दा अहसास होया। उह रातों रात जहाज राही इंग्लैंड चला गया, उसने अपनी तनखा दे 40,000 पाउंड भी नहीं ले, ते मुड़ के वापस इंडिया भी नहीं आया। पर 1971 विच एक पत्रकार कुलदीप नायर जदों रेडक्लिफ नूं मिलिया तां इस नक्शे बारे उसने उस नाल गलबात कीती, तां रेडक्लिफ ने दस्या कि मेरे कोल सिर्फ 35-36 दिन सी सारे भारत नूं वंडण लई, ते इस दौरान मैनूं पूरी समगरी भी मुहैया नहीं करवाई गई, ते मैं सिर्फ एक बार ही उस जगह ते हवाई दौरा किया, इन्ने घट समय विच मैं इस तो वधिया कुछ होर नहीं कर सकता सी, मैनू ये भी पता नहीं सी कि लाहौर विच ज़्यादा गिणती हिंदू ते सिखां दी है, पर फिर भी मैं लाहौर पाकिस्तान नूं दिता क्योंकि पाकिस्तान कोल कराची तो बिना कोई होर वड्डा शहर नहीं सी, इसलिए पाकिस्तान मेरा शुक्रगुजार होना चाहिदा है। दूजा जो अधिकारी मैनू मेरी मदद लई दित्ते गए सी उन्होंने मैनू बहुत दुखी किया, कोई कहिंदा सी कि शिमला सानू पाकिस्तान वल दे दिओ, असीं जवाकां नाल घूमण वी तां जाणा हुंदा है, ते कोई कहिंदा सी कि इह शहर सानू भारत वल दे दिओ, जदकि उह अपणियां जायदादां कित्थे कित्थे होणगियां यही डिसाइड करन विच लगे हुए सी। सो हुण जे उह बंदिआं ने सही सलाह दित्ती हुंदी तां नतीजे शायद कुछ होर होणे सी, पर हुण तुहानूं दसदे आं कि वंड तों बाद की होया, जिन्हां ने अपने खोए ने इह उही समझ सकदे ने। 15 अगस्त की सवेर बहुत ही वीर योधिआं की मेहनत तों बाद आई सी, जिन्हां नूं असीं कई वारी अजकल माड़ा भी कह दिंदे आं।
इस बारे उन्होंने बहुत मेहनत कीतियां सी, पर उन्होंने की पता सी कि जदों ये दिन आना है तो यह इतिहास का काला दिन भी साबित होगा। आजादी मिलने तो बाद वो आपस में ही लड़न लग पे। असल विच लोगों को पता लग गया कि भारत बंड के पाकिस्तान बन रहा है, जिसका कारण मुस्लिम नेता जना है। इस दे विरुद्ध विच मौतां दी शुरुआत 6 अगस्त 1947 हुई, जदों अमृतसर 60 मुस्लिम लोगों का कतलेआम कर दिता गया ते 8 अगस्त 1947 जलालाबाद वाल 50 सिखां दा कतल कर दिता गया। यह खून खराबा हुण हर रोज़ होण लग्या ते दिन ब दिन बदन लग्या। दिल्ली तो लाहौर नूं चलण वाली रेल विच पाकिस्तान जाण वाले लोग ते कुछ अधिकारी जा रहे सी, जिस ते पटियाला पहुंचण उत्ते हमला हो गया। एक किसी रेल ते होण वाला पहला हमला सी। इस विच काफ़ी मौतां हुईयां। जदों ये खबर लाहौर पहुंची तो इस दा बदला लैण दा प्लैन बनाया गया। ये बदला लिया गया अमृतसर आने वाली पहली रेल तो। यह रेल जदों अमृतसर पहुंची तो इस विच कोई जिंदा इंसान नहीं पहुंचा, सारी रेल लाशां नाल भरी हुई आई। हुण दिन आउंदा है 15 अगस्त 1947 की शाम का, जदों एक रेल अमृतसर स्टेशन ते पहुंची जिस विच लाशां ही लाशां सी। ते ये रेल दे पिछले डब्बे ते लिखिया देख सब हैरान हो गए। इस ते लिखिया सी पटेल और नेहरू के लिए आजादी का तोहफा। ये रेलों में मारन वाला दौर काफ़ी दिन तक चलिया। इस बंड विच 1 लाख के करीब औरतों की इज्जत नाल खिलवाड़ होया। तकरीबन 1,45,00,000 के करीब लोग बेघर हो गए। सो इन्ना क ये कतलेआम दसना काफ़ी होगा कि बंड किन्नी दर्दनाक रही होगी। सो असी तो 5 मिनट ये चीज़ सोच लेंगे कि हाँ बहुत दर्दनाक होगी, पर जिन्हां ते बीती है वह हले तक भी इस नहीं भुल सके। बेशक हो 47 हो 84 हो या इस तरह का कोई होर हमला हो, दुख उस ही पता होंगे जिदे बीतदा है। सो यह वंड बेशक उस समय नेतावान लिए खुश करने वाली रही होगी, पर आम लोग जिन्हों के घर परिवार दूजे पासे रह गए उन्होंने ये काला दिन ही रहेगा। असी सोच भी नहीं सकते कि किमें हिंदू मुस्लिम सिख दोस्त विछड़े, रिश्तेदार विछड़े, माँ पुत विछड़ गए, भैन भरा चाचे ताए कुछ बॉर्डर के उस पार रह गए तो कुछ तार दे इस पासे। इस तरह की आज़ादी भगत सिंह, राजगुरु ते सुखदेव ते होर वीर योध्या ने नहीं सोची होगी। तो हुण गल करदे हां इस वंड विच भारत ने पाकिस्तान नूं की दिता, क्योंकि जदों देश की वंड होगी तो देश दीआं चीज़ां दीआं वी वंडियां पैणियां सी। तो यह बंटवारा 80-20% के हिसाब न होया, क्योंकि उस समय देश की 20% जनसंख्या ही पाकिस्तान विच जा रही सी। एक काम लई दो अधिकारी चुने गए, एक HM पटेल ते दूजा मुहम्मद अली। इन्होंने सारे समान की लिस्ट तैयार करके माउंट बैटन नूं भेजनी हुंदी ते इह समान किवें वंडिया गया तुहानूं दसदे हां। भारत दीआं बैंकां दा पैसा ते अंग्रेजां तों मिले पैसे विच्चों 17.5% पाकिस्तान नूं दित्ता गया ते इह इस दे बदले लिया गया कि पाकिस्तान भारत तों लए गए करजे दा 17.5% हिस्सा वापस करेगा ते भारत विच पई अचल मतलब सरकारी जायदाद दा 20% हिस्सा पाकिस्तान नूं देवेगा। इस तों बाद सारे भारत विच हर चीज़ 20-80% दी रेशो नाल वंडी जाण लगी। सरकारी दफ्तरां दीआं कुर्सियां, मेज, टाइपराइटर, पेन, पेंसलां सारा कुछ 80% विच वंडिया गया, पर शराब की वंड नहीं की गई। यह सारी भारत नूं दे के इस दे बदले कुछ पैसे ले ले गए। भारत दीआं 18,077 मील सड़कां विचों 4913 मील पाकिस्तान दे हिस्से आईआं, 26,421 मील की रेल लाइन विचों 7,112 मील पाकिस्तान दे हिस्से गई। इस तों बाद इन्हां दे महकमे दे बलडोजर ते होर मशीनां भी इसे तरह वंडियां गईआं। तो हुण लाइब्रेरी च पईआं किताबां की वंडण की वारी आई, जिथे बहुत सारिया किताबां वंड लईआं गईआं, पर शब्द कोश नूं अद्धा अद्धा पाड़ के वंड लिया गया। पर हुण इस तों बाद इंटैलीजेंस विभाग नूं नहीं वंडिया गया, क्योंकि भारत दे होम मिनिस्टर विभाग ने इस नूं पाकिस्तान नाल सांझा करन तों इनकार कर दिता, क्योंकि इंटैलीजेंस हर एक देश लई बहुत ही जरूरी चीज़ों विचों एक हुंदी है। तो हुण जदों पाकिस्तान नवा देश बनया तो इसलिए अलग तो करंसी भी चाहिए सी। उस समय भारत में एक ही मशीन सी जो कि करंसी छापदी सी, जिसनों पाकिस्तान नाल सांझा नहीं किया गया। इसका हल पाकिस्तान ने भारत की करंसी ते ही पाकिस्तान की मोहर ला के काम चलाया। तो हुण सब तो नाटकी तरीके नाल वंड हुई वायसराय के अस्तबल में खड़ी घोड़ा गड्डिया की, जिसते वायसराय के मेहमानों दिल्ली दर्शन करवाए जाते। इतने 12 घोड़ा गड्डिया सी जिन्हां ते सोने चांदी की सजावट की हुई सी, जिन्हां विच 6 गड्डियां सुनहरियां वधिया तैयार सन ते 6
सिंपल सी। इन्हां दी वंड एक अंग्रेज ऑफिसर ने टॉस करन दी सलाह दित्ती ते जदों ये सिक्का फर्श ते डिग्गिया तां इंडिया दे मेजर ने खुश होके छाल मारी क्योंकि सुनहरी घोड़ा गड्डियां भारत दे हिस्से आ गईयां सी। ते इस तों बाद सब तों जरूरी ते महत्वपूर्ण वंड होई देश दे फौजी जवानां दी जिन्हां विच 2.3 भारत दे हिस्से ते 1.3 पाकिस्तान दे हिस्से जाणे सी। सारे फौजियों नूं इक फार्म भरन लई दित्ता गया जिस विच जिस किसे ने भी भारत रहना है वह रह सकता है ते जिन्हें पाकिस्तान जाना है वह जा सकता है। सो इत्थे दुविधा यह सी कि जिन्हां मुस्लिम फौजियों दीयां जमीनां ते घर भारत विच सी वह पाकिस्तान तां जाना चाहुंदे सी पर वह फस गए ते जिन्हां हिंदुआं दे घर पाकिस्तान विच सी वह भारत तां जाना चाहुंदे सी पर वह फस गए। सो इस तरह फौज की वंड तां हो गई पर जो फौजी कुछ दिन पहला दोस्त सी वह वंड दे कारण अपने आप दूजे फौजियों दे दुश्मन बन गए। यह सब बाद विच देखण नूं भी मिलिया जदों 65 ते 71 दी लड़ाई विच इको बटालियन दे फौजी आपस विच लड़े सी। सो यह बहुत ही दुखदायक वंड सी जिसने किन्ने ही घर बर्बाद कर दिते ते आजादी तो बाद की कुछ बदलिया यह तुसीं देख सकदे हो। इस वंड विच पंजाब दा 25.8% हिस्सा पाकिस्तान विच चला गया जिस विच साडे धार्मिक स्थान भी उस पासे रह गए जिवें कि ननकाणा साहिब उन्हां विचों इक है। इस वंड विच 20 लख तो वध मौतां होईयां सी पर दस्सिया जांदा है कि उन्हां विचों 8 तो 10 लख पंजाबी मन्ने जांदे ने। सो इस करके अज भी जदों असीं बजुर्गां नाल 15 अगस्त 1947 दी गल करदे हां तां उह इस नूं आजादी तो पहलां हल्लियां वाला साल कह के याद करदे ने। सो हुण तुहानूं इह तां पता लग गया होवेगा कि सानूं जो भी अज आजादी मिली है इह किन्नी मुश्किल ते किन्ने दर्दनाक समें देखण तों बाद मिली है ते जिन्हां ने आजादी लई अपनी जान लिखे लाती सो उन्हां करके ही सही। सो इस दी थोड़ी कदर करिया करो, हो सकदा आने वाले समय विच असीं धर्मां ते जातां तों उत्ते उठ के तरक्की करिए ते इह तां ही हो सकदा जे साडे लीडर भी वधिया होण। सरदार भगत सिंह ने कहा सी कि आइडियोलॉजी विचारधारा चंगी ते सही होनी चाहीदी है नहीं गलत विचारधारा नाल जो आजादी मिलेगी या जित भी कह सकदे हो उह इस गुलामी तों वध डरावनी होवेगी। सो आस करदे हां कि सरकारां सानूं आने वाले समय विच हर किसी नूं उदां दा वातावरण देण जिद्दां दा उह इंसान नूं अपने काम लई चाहीदा है तां जो असीं बाहरले देशां नाल कंपीट कर सकीए। सो असीं तां बस यही कह सकदे हां कि इह बदला जल्द आवे। सो 15 अगस्त दीआं इक वारी तुहानूं फिर तों बहुत बहुत आजादी है। अज बड़े खुश होंदे है, बड़िया ज़्यादा जोश है, बड़ा ज़्यादा जज्बा है। हाय 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 कि आज़ादी इस तरह मिली है। वीडियो पर देखन दिया सीगा, वीडियो देख के तो बंदा इमोशनल हो जाता कि यार आज़ादी इदा मिली है कि आज़ादी कोई मुफ्त च मिली है, आज़ादी कोई प्लेट च रख के दिती है। बस कुछ लोग इनू काला दिन कहते हैं, कुछ लोग इनू आज़ादी कहते हैं कि आज़ादी है। बाकी मैं तेनू पाकिस्तान दे, मैं तेनू अपनी मुसलमानी दी नज़रियत दे विच मैं तेनू आज़ादी समझना क्योंकि असी मुसलमान आज़ाद होए सीगे। ते बाकी एक गल तुहानू मैं सही गल दसा, किसी का कुछ नहीं गा गया, किसी का कुछ नहीं गया, गया तो पंजाब का गया। अज भी अगर सब तो ज़्यादा कुरबानियाँ दे दिया तो पंजाब दे दिया। वंड दे टाइम जदों आज़ाद होए है जिस टाइम ये बड़ा फख्र करते हैं ना कि असी आज़ाद होए, इन्हों ये नहीं पता कि असी आज़ाद किहदे सिर ते होए हैं। हाँ जी, इन्हां दा कोई घर दा बंदा इदां दीआं कुरबानियां दित्तियां होंदियां जिद्दां दीआं इस पंजाब ने दित्तियां, भावें उह मुसलमान है भावें उह सिख, इन्हां नूं कदर होंदी। इस करके इन्हां नूं खुशियां चढ़ियां, इस करके बड़ा जोश है, बड़ा जज्बा है। किसे दा कुछ नहीं गया, अगर गया तो पंजाब दा गया है। एस पंजाब ने भावें मुसलमान से भावें सिख सीगा, एस पंजाब ने सब तो ज़्यादा कुरबानियाँ ही इस पंजाब ने दित्तियां, अज भी देन दिया वै। ते बाकी वीडियो देख के तो बड़ा ज़्यादा मैं इमोशनल हो दिया सीगा। इदां दी हिस्ट्री मैं खुद नहीं कभी सुनी, मैं पहली दफ़ा सुनी है तो मैं खुद बड़ा ज़्यादा एक इमोशनल हो दिया सीगा कि यार आज़ादी जिहड़ा दिन सीगा इस तरह मिले। लेकिन मेरी जो अपनी मुसलमानियत की जो मेरी राय है ना वो है कि अज के दिन सानू आज़ादी नहीं मिलनी चाहिए, अज के दिन सानू अपने वड्डियां नू याद करना चाहिए वै। आज़ादी सानू कल परसों किसी होर दिन भी मना लेनी चाहिए है।
इस करके तुसी की इनू समझते जे काला दिन समझते जे या कि आजादी समझते जे कि जे दिन कोई अपना किसी का घर दे भी किसी घर का कोई वड्डा दुनिया तो गया हो उस दिन बंदा आजादी मना या कि सो गया कि अफसोस मना वै बाकी तुसी की समझते जे थले कमेंट बॉक्स में लाजमी दसो बाकी जो मैं अपनी मुसलमानी की नज़र में जो मैं समझना सी वह मैं तुम्हें दस दिता मिलने तुम अगली वीडियो वास्ते इजाजत चाहते हैं अल्लाह हाफिज़।